सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं कि दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो आज पता है आपको कि आज 55.95 ऐसे का प्राइस चल रही है, लेकिन आज जो मार्केट में परफॉर्मेंस किया है शेयर ने, लगभग ना के बराबर गिरावट हुई शेयर में, लगभग गिरावट हुई है, लेकिन ना के बराबर गिरावट हुई। एक तरह से मान सकते इसका काफ़ी हाई, काफ़ी अच्छा खासा बना था शेयर ने। आज लगभग आज के हाथ हाई की बात करूँ मैं डे बाई डे, तो आज आपको 3 रुपये के आसपास का जब आपको देखने को मिला शेयर में। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट में स्टॉक नीचे आया था, लेकिन आज इसका टारगेट टूट चुका 3 रुपये हाई का। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या इस पैसे इन्वेस्ट करना सही है नहीं है। देखो, आपको मैं हर बार वीडियो बोलता हूँ, आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टाइम के लिए शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है ये। आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर में कभी कभी डाउन होता है, कभी 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 हाई बनता है। तो दोस्तों, आपको शॉर्ट टाइम में रिटर्न कम मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप इसके बजाय लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करोगे कम से कम 1 साल के लिए, तो बैंकिंग सेक्टर में आपको दोस्तों बजट के बाद मेन असर पड़ेगा शेयर के ऊपर। बजट के बाद ये प्राइस दोस्तों कन्वर्ट होगी कम से कम 100 रुपीज़ के आसपास जाकर रुकने वाला है शेयर। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या इसमें क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो।